समाचार। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, 8 वर्षीय मासूम को बाप ने उतारा मौत के घाट। हमीरपुर, कलयुग में रिश्ते हुए कलंकित, बाप ने खुद अपने 8 वर्षीय मासूम को उतारा मौत के घाट। बेरहमी से हत्या करने के बाद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हुआ फरार, पुलिस ने लिया हिरासत में। पूरा मामला जनपद हमीरपुर की राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम गलियां हैं, जहां पर एक 8 वर्षीय मासूम को उसके बाप ने ही मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। कुआं पूजन के दौरान बच्चा हुआ लापता, जिसमें ढूंढते रहे परिजन, लेकिन सुबह उसका शव पशु बाड़े में सुबह 4 बजे मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे के शरीर पर चोट का निशान और गले में पड़ी तौलिया बता रही है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है। परिजन मृतक के पिता पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आरोपी पिता को रिहासत में ले लिया है। हत्या कैसे हुई, पुलिस आरोपी ने पूछताछ कर रही है। मृतक मासूम का नाना राठ स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर। चलिए चलते हैं अपने संवाददाता शिव शक्ति सैनी की खास रिपोर्ट पर। राठ थाना क्षेत्र के गलिया गांव में घटना घटी है, जिसमें 7 वर्ष का रोहित राजपूत नाम का बच्चा था, सुरेश राजपूत, उसकी डेड बॉडी मिली है उसके ननिहाल में, पशुबाड़ा में। सूचना 112 पर मिली, भेजा गया, पता चला कि वो उनके यहाँ ननिहाल में था, अपनी माँ के साथ था। वहाँ कोई कार्यक्रम था कल, वहाँ पूजन कर उसके मामा के लड़के का। 8:30 बजे से वो लड़का उस प्रोग्राम में देखा नहीं गया, उन्होंने तलाश किया, फिर लोगों ने सोचा कहीं सो गया हो। भोर में उसकी नानी गई है पशुबाड़े में, तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली है। उसके गले पर चोट के निशान हैं और गांव वाले बता रहे हैं कि इसका पिता जो है वहाँ शाम को शराब के नशे में देखा गया था। पति पत्नी दोनों में, मतलब कि बच्चे के माँ बाप में दोनों में पटती नहीं थी और पत्नी नाराज होकर मायके में रह रही थी, और इसके पिता जो सुरेश राजपूत को लोगों ने देखा था वहाँ पर शाम को दारू पिए हुए। तो इससे पूछताछ की जा रही है, अभी स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन गांव वालों को, ननिहाल वालों को पूरा विश्वास है कि उसके पिता ने ही अपने बच्चे की गला घोट कर हत्या किया है। इसमें विवेचना की कार्रवाई चल रही है, मौके पर पुलिस है, जांच चल रही है। सर क्या नाम है आपका और यहाँ पर एक बच्चे का शव पड़ा है, क्या है पूरा मामला? सर मेरा नाम है तीज सिंह और मेरे यहाँ घर पर नाती का पूरा पूजन था। उसमें मतलब वहाँ मतलब ये बच्चा भी मतलब नाती मुंबई से आया था 17 तारीख की शाम को, तो उसको मतलब 18 तारीख की शाम से 10 बजे रात से उसका लापता हो गया। हम कहीं कोई घर में पड़ा है तो वहाँ हमने सब कहीं मिला, वहाँ पर मतलब बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिला तो मतलब सवेरे मतलब जो बगल में भैंसें बनी थी उसमें मतलब खाड़ू की बुझ की तरह छुपा था, उसकी घाटी में मतलब निशान है, घाटी में मतलब उसकी रगड़स है। क्या लगता है आपको उसकी हत्या हुई है? हाँ, उसके उसके गला दबाया, उसको मारा। शरीर में कहाँ कहाँ पर चोटों के निशान है? उसी गले में चोट। तो इसके बाद क्या आपने कोतवाली में सूचना दी? हाँ, कोतवाली में फोन नंबर को फोन किया, पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई थी। अच्छा, अभी तक तैरी दी आपने? अभी मतलब यहीं पर हम आए हैं मालूम घर से, और यहीं अभी। क्या लगता है किसने मारा होगा बच्चे को? ये मतलब इसको मतलब सुरेश है, उसने मारा है। कौन है ये सुरेश? ये उसका बाप है। अच्छा, बच्चे को बाप ने ही मार दिया है। पुलिस क्या कह रही है इसमें? अब पुलिस ने अपनी पुलिस ने अब मतलब कोई हमें बताया नहीं, पुलिस गई थी वहाँ से पकड़ ले आई थाने में, मतलब बाप हिरासत में है अभी। हाँ, हिरासत में। क्या चाहते हो आप इसमें?